श्वेता महाड़े एक एक्ट्रेस है, गृहिणी है। घर और काम के साथ साथ ये है बेहद अच्छी कलाकार, जो बनाती है हैंडमेड चीजें, DIY करती है और सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को भी सिखाती है कि घर बैठे कैसे सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाए। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है गुड एंड फेम श्वेता महाड़िक के घर, जहां आज हम उनके घर की सैर तो करेंगे ही, साथ साथ देखेंगे कि कैसे ये खूबसूरत चीजें अपने हाथों से बनाती हैं। वैसे श्वेता ने अपने घर में जो सजावट की है, ज्यादातर चीजें उन्होंने अपने हाथों से ही बनाई है। भाई आर्टिस्ट है तो अपने घर को तो सजाएंगी ही ना। वैसे आज श्वेता बनाने वाली है अनुपमा का वर्ल्ड फेमस मंगलसूत्र, जो अनुपमा सीरियल में पहनती है। श्वेता ने घर की औरतों को भी बताया कि घर बैठे इजी और फास्ट तरीके से कैसे अनुपमा के स्टाइल वाला मंगलसूत्र बनाया जाए। इसी के साथ श्वेता ने बनाई है कई और चीजें, जैसे कि ईशा अंबानी का गुड़िया वाला फेमस हैंडबैग। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम श्वेता के घर पर, जहां उन्होंने सास बहू और बेटिया का किया स्वागत। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है श्वेता महाडिक और सास बहू और बेटियां आज मेरे घर पे आई हैं। तो चलिए मैं आपको सबको मेरा घर दिखाती हूँ। अच्छा, घर में एक स्पेशलिटी ये है कि बहुत सारी चीज़ों को मैंने अपने हाथों से बनाया है। एंड अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं बहुत सारा DIY कंटेंट क्रिएट करती हूँ। तो इसलिए मैं आज दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने घर को सजाने के लिए मैंने क्या क्या होम डेकोर किया है। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगी इस पेंटिंग से। तो इस पेंटिंग की खासियत ये है कि ये दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों को कंबाइन करके ये पेंटिंग मैंने बनाया है। और मैंने हमेशा से सोचा था कि जब मेरा खुद का घर होगा तब मैं एक बहुत ही सुंदर एक माँ की पेंटिंग बनाऊंगी। एंड आई थिंक ये बहुत ही क्या कह सकते हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट है, या यू नो तीन दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों को मैंने कंबाइन करके ये पेंटिंग की है। तीनों की ब्लेसिंग मुझे चाहिए थी घर के लिए, तो इसलिए ये पेंटिंग की है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे जो मंत्र जो होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो ये जो हर चीज़ है, ये एक घर के लिए, घर के वास्तु के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसको मैंने लाइट कलर्स नहीं, बहुत ही ब्राइट कलर्स में रखा है, बिकॉज वाइट वॉल्स के साथ अगर आप कॉन्ट्रास्टिंग ब्राइट कलर्स रखेंगे तो बहुत ही स्टैंड आउट होता है। तो ये है मेरी माँ की पेंटिंग। यहाँ मैंने लिखा है ओम भूर भुवत स्वः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। तो ये सारी चीज़ें घर के वास्तु के लिए बहुत अच्छी होती है, घर को शांत रखती है, पॉजिटिविटी लाती है। तो इसलिए जैसे ही आप एंटर करोगे, मैंने स्पेशली यहाँ पे ये वॉल सोच के मैंने ये बनाया कि यहीं पे इस पेंटिंग को प्लेस करना है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने लास्ट दिवाली में बनाई थी। तो इसको ऐसे रोटेटिंग ट्रे ये मैंने बनाया है। तो इसमें क्या है कि आपको जो चीज़ डेकोरेटिव चीज़ रखनी है, जैसे कि दिए रखने हैं या स्वीट्स भी रखने हैं या कोई रंग रखने हैं, फूल रखने हैं, वो आप अलग अलग इसमें डेकोरेशन उसका कर सकते हैं। एंड उसको सिर्फ ऐसे आप घुमाएंगे तो ये इट विल बी लाइक अ रोटेटिंग ट्रे, डिस्प्ले ट्रे, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए मैं आपको एक डेमो देती हूँ। अच्छा, अब इस कॉर्नर की बात करते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रिटी इलस्ट्रेशन है मेरा खुद का, जो एक एक फ़ैन ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा था। सो मुझे ये बहुत पसंद है, बिकॉज़ ये बहुत ख़ास है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज़ ये जो लुक है ना, तो सभ्यसाची का एक कलेक्शन आया था,
और उसका मैंने DIY क्रिएट किया था कि कैसे उसको हम सस्ते में बना सकते हैं, एंड वो काफ़ी वायरल हो गया था, एंड आई थिंक वहाँ से मेरा जो DIY कंटेंट है वो पिकअप कर गया, और उन जो फ़ैन हैं उन्होंने ये मेरे लिए बना के भेजा. सो दिस इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट DIY. ये पेंटिंग इसकी बात करते हैं, तो जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था एंड घर में लिटरली करने के लिए कुछ भी नहीं था और पता नहीं था ना कि क्या होने वाला है आगे, एंड यू नो हम सीरियल कर रहे थे और सीरियल भी बंद हो गया, पता नहीं अब सीरियल कब चालू होगा, शूट कब चालू होगी. तो फिर बैठे बैठे घर पे यू नो आई स्टार्टेड पेंटिंग, क्योंकि पेंटिंग का बहुत शौक है. एंड तब वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड डे आया था, एंड तब ये पेंटिंग मैंने किया है. सो इट इज़ बेसिकली मदर अर्थ, और मदर अर्थ कैसे यू नो प्रिटी है, खूबसूरत है, उसका एक डिपिक्शन किया है मैंने. तो ये पेंटिंग तब की थी मैंने. अब मैं एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ. हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर. हेलो, कोई नहीं है, घर पे बाबा है. तो हाँ, ये ना जब हम घर का क्या बोलते हैं डेकोरेशन का सामान ढूंढने के लिए, तो मैं चली गई चोर बाज़ार, क्योंकि चोर बाज़ार में लिटरली आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बट चोर बाज़ार में जो चीज़ें, जो विंटेज ओल्ड चीज़ें मिलती है ना, तो वो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगी, और वो रियल एंटीक्स होती हैं. तो मैं और मेरी फ्रेंड हम चले गए, और वहाँ पे मुझे ना एक पुराना सा PCO का जो फ़ोन होता है ना, वैसा मेरे दिमाग में था कि मुझे वैसा कुछ मेरे घर में लगाना है, और वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा था. एंड इवन चोर बाज़ार में हमने पूरा ढूंढ लिया बट कहीं नहीं मिला. फाइनली एक शॉप थी, तो मुझे लगा चलो एक बार लास्ट ट्राई करती हूँ, और वहाँ पे मुझे ये फ़ोन मिला. इट्स अ रियल फ़ोन, और ये फ़ोन PCO वाला फ़ोन नहीं है, ये जो शिप में फ़ोन यूज़ होता है, शिप्स में यू नो क्या बोलते हैं उसको, शिप का फ़ोन है ये, एंड इट्स अ रियल फ़ोन. और इसका ना कलर बेसिकली ये कलर था, बट उसको मैंने मेरे होम डेकोर के हिसाब से कलर किया है, पिंक कलर उसको दे दिया मैंने. सो या इट्स अ वर्किंग फ़ोन, अगर शायद उसके कनेक्शंस करेंगे तो शायद चल जाए. तो चलिए, अभी ये सब तो मैंने होम डेकोर का आपको बता दिया, अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ. तो आजकल मैं कंटेंट क्रिएशन पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हूँ, और उसके लिए मुझे लगा था कि एक प्रोफेशनल वर्क प्लेस होना चाहिए. तो इसलिए मैंने अपने लिविंग रूम में ही एक छोटा सा स्टूडियो बना दिया, और स्टूडियो भी ऐसा है कि बहुत कन्वर्टेबल है. तो मैं दिखाती हूँ आपको कन्वर्टेबल कैसा है. तो ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये हमने ऐसे बैकड्रॉप्स लगाए हैं 3 कलर्स में. अगर मुझे चाहिए तो मैं और भी कलर्स लगा सकती हूँ. तो इसको सिर्फ ऐसे, ये चेन्स जो है ना, तो इन चेन्स से अगर आप खींचोगे तो ये ऊपर नीचे हो सकता है. सो इफ़ आई पुल इट, वो नीचे आ जाएगा, और उसको ये कर दूँगी. हाँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा वर्क होता है. तो ये इतना सिंपल था, एंड यू नो हम एक्टर्स हैं, हम सोशल मीडिया पे काफ़ी कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमको ना फ़ोटोग्राफ्स की भी बहुत ज़रूरत होती है, एंड फ़ोटोग्राफ्स बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक अच्छा बैकड्रॉप नहीं मिल पाता, आप घर पे ही रहते हो या नीचे, अब कितना करोगे घर में, तो इसलिए ये बैकड्रॉप्स अगर होंगे तो यू नो अलग अलग कलर बैकड्रॉप्स के साथ आप फ़ोटोज़ खींच सकते हो. सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट. एंड मैं YouTube का जो कंटेंट क्रिएट करती हूँ, तो उसके लिए भी अगर ऐसा एक स्टूडियो सेटअप होगा तो काफ़ी प्रोफेशनल लगता है. सो इसलिए ये सारी चीज़ें सोच के, और घर से बाहर ना निकलना पड़े, इसलिए ये सब सोच के मैंने ये कन्वर्टेबल चीज़ बना दी यहाँ पे. ना बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, बट मैं बचपन से ही बहुत जुगाड़ू हर चीज़ को, यू नो जैसे इवन शूट्स पे अगर कोई लिपस्टिक है तो 3-4 लिपस्टिक्स को एक साथ मिल यू नो लाइक कंबाइन करके उसका एक अलग शेड बना दिया. ये सब बहुत
चीज़ें करती रहती थी। इवन मेकअप रूम्स के वॉल्स को पेंट करना, ये सब मैं बहुत करती थी। बट फिर मुझे ना मेरी एक्टर फ्रेंड्स भी जो हैं वो मुझे हमेशा बोलते थे कि तुझे ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें करती है ना, तो उसको पोस्ट करती जा, लेट्स सी, कुछ नहीं हुआ तो इट्स ओके, बट जस्ट एटलीस्ट लोगों को पता तो चलेगा कि तू ये सब करती है। एंड मैं बहुत हल्के में लेती थी, आई वाज लाइक कि क्या ये सब, छोड़ो छोड़ो। एंड देन फिर जब ये लॉकडाउन हुआ एंड देन फिर काम बंद हो गया सब कुछ, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं घर पे बैठी हूँ फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, इससे अच्छा है कि मैं उसी टाइम का कुछ उसको यूटिलाइज करूँ और कुछ करूँ, कुछ मेरी हॉबी। तो ऐसे करके मैंने 2-3 रील्स डाल दी जिसमें मैंने एक बार कोई सलवार कमीज़ डाला था, फिर ये जो सभ्यसाची का रिक्रिएशन किया, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैं बनाती गई एंड वो चल गई। एंड देन आई थॉट कि ओके आई थिंक लेट मी गो अहेड विद दिस, लेट मी ट्राई समथिंग मोर। और फिर करते 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 अभी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं कि मैं इसी में एकदम मग्न हो गई हूँ। मेरा सबसे फेवरेट पीस है, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये ना जो हमारे पुराने इंडियन स्टैम्प्स होते हैं या मैच बॉक्स के जो कवर्स होते हैं या बीडी का कवर, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके मैंने एक ये कोलाज बना दिया है। नहीं, मुझे ना पुरानी चीज़ों का बहुत शौक है, तो जैसे कि इवन इफ अगर आप देखोगे ना जो इंडियन ब्रांड्स होते हैं, पुराने इंडियन ब्रांड्स होते हैं या मैच बॉक्सेस होते हैं या छोटे छोटे जो भी तो उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो पैकेजिंग होता है ना, मुझे बहुत फैसिनेट करता है। मुझे लगता है कि उसमें के कलर्स और ये सब बहुत समथिंग अबाउट इट, इट्स वेरी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मुझे लगा कि मुझे वैसे भी ये मेरा पुराना हो गया था टेबल और मुझे उसको पेंट करना था, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसमें क्या करूँ, कुछ फूल बनाऊँ या कोई ऐसे म्यूरल्स करूँ, पता नहीं क्या। एंड देन फिर मैंने एक मैच बॉक्स देखा और जब वो मैच बॉक्स मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये ऐसा कुछ करना चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया कि हम जो ओल्ड ब्रांड्स होते हैं ना, उसका सबको लेके एक कोलाज करती हूँ और फिर उसको पेंट करती हूँ। तो जैसे कि अभी आप देखिए यहाँ पे ये ताजमहल मैचेस, तो ये भी एक मैचस्टिक है, मैचस्टिक्स का ब्रांड है आई थिंक, ये भी मैचस्टिक्स है, हाँ ये बीड़ी है कबूतर छाप बीड़ी। ये कोई नेशनल रेडियो, ये है नेशनल रेडियो का, बट यहाँ पे अगर स्पेस नहीं था इसलिए फिर वो मैंने नेशन कर दिया। फिर ये है गोपी मैचेस, ये यहाँ पे गोपी मैडम, एंड दिस इज़ रेड रोज़। तो ये सारी चीज़ें मैंने की है, तो काफ़ी और कलरफुल भी लगता है, बहुत यूनिक लगता है, तो हमने कर दिया। हाँ, अब ये है सुबह सुबह उठ के आपको क्या देखना है, आपको ये देखना चाहिए गुड वाइब्स, तो इसलिए मैंने ये बनाया है दैट एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप आई सी दिस और मेरा दिन अच्छा जाए, गुड वाइब्स ओनली, नो नेगेटिविटी। वैसे अब चलते हैं जहाँ श्वेता ने खोला अपना पिटारा अनुपमा स्टाइल वाला मंगलसूत्र बनाने के लिए, तो आइए श्वेता से सीखते हैं कि किस तरह से ये मंगलसूत्र बनाया जाए। तो आपने ये सारी क्रिएटिविटी तो मेरी देख ली, अभी मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगी आप सबको, तो हमको एक साथ भी तो कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी ना। और अगर हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं तो कुछ ट्रेंडिंग करना चाहिए, राइट? तो आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, फॉग तो नहीं चल रहा है आजकल, तो सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, वो है अनुपमा। और यस, हम अनुपमा का मंगलसूत्र जो बहुत ट्रेंड हो रहा है, बहुत फैशन में है, उसको हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए। ट्रेंडिंग है, बहुत ही फैशन में है, तो और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, एंड बिकॉज मेरी मम्मी और नानी ये शो बहुत देखते हैं,
इवन अगर आपको पता होगा कि अगर मराठी में भी सेम अनुपमा का आई कुठे काय करते तो वो सीरियल भी काफी देखते हैं, तो इसको हम रिक्रिएट करेंगे। ठीक है, ये जो शीट है उसके ऊपर ना ऐसे मैं ग्लू ऐसे गोल करके अंदाजे से लगा दूंगी। अब ये जो हमारी चेन है ना, तो हमको चेन नहीं चाहिए, हमको सिंगल सिंगल डायमंड्स चाहिए। तो अगर आपके पास सिंगल डायमंड्स होंगे तो ठीक है, और अगर नहीं है तो मैं ऐसे ये ऐसे कट करती हूँ। ये मैंने सारे स्टोन्स चिपका दिए ऐसे सर्कल में। अब इसे थोड़ी देर सूखने देंगे, तब तक हम क्या करेंगे, ऐसे सेम हमको और दो बनाने हैं, और मैंने बड़ी ही चालाकी से ऑलरेडी दोनों बना के रखे हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो वो सूख जाएगा, तब सूखने के बाद वो जो प्लास्टिक है उसको उसी शेप में कट कर देना है। एंड हमको ये जो पीछे वायर है ना, वो वायर लगानी है ताकि हम उसको ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच कर सकें। तो अब ये वायर कैसे अटैच करनी है मैं आपको दिखाती हूँ। 2.3 mm की, अभी इसको थोड़ा सा पीस यहाँ से कट करूँगी। एक्चुअली मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन तो मतलब 24 घंटे का काम है, बट डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट कर रही हूँ। अगर कोई छोटी सी चीज़ है जैसे कि एक नोज पिन बनानी है तो फटाफट बन जाता है। ये कट करके हमारा एक जो पीस है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। एक्चुअली इसको मैं ऐसे भी पहनूंगी तो भी कितना खूबसूरत लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना, इवन लाइक पतले चेन के साथ। बट हम अनुपमा का जो मंगलसूत्र है उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, तो वो वैसा नहीं है, वो ऐसे और दो हैं साइड में, रिमेम्बर। तो ये हमने ऑलरेडी दो यहाँ पर बना के रखे थे, एंड ऐसा हमारा ये डिज़ाइन अब कंप्लीट हुआ। और इस तरह से हमारा ये अनुपमा वाला पेंडेंट रेडी है। अब हमें सिर्फ इसे एक मंगलसूत्र में डालना है एंड वी आर गुड टू गो। तो चलिए मैं इसको मंगलसूत्र में डालती हूँ। जो टीवी सीरियल्स होती हैं या जो शोज़ बहुत ट्रेंडिंग होते हैं उनका फैशन भी बहुत फॉलो करते हैं लोग, तो इसलिए मुझे लगा कि ये हमको बनाना चाहिए, बिकॉज़ ये भी एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है। एंड इसे अब मैं देखती हूँ कब मैं यूज़ कर पाऊँ, कोई फंक्शन हो या कोई यू नो इंडियन कुछ पार्टी हो तो मैं ज़रूर इसको पहनूँगी। ड्रीम तो अभी यही है कि इसमें बहुत सफल होना है, एंड ऑफ कोर्स अगर टीवी पे भी कोई बहुत इंटरेस्टिंग रोल आए, बहुत अच्छा लगे कि हाँ यस इसमें कोई पोटेंशियल है, तो मैं ज़रूर इसे करना चाहूँगी। सो या आई एम ओपन टू इट। गुड्डन से हाँ
ऑब्वियसली गुड्डन तो हमने ऑलमोस्ट 3 साल हमने एक साथ शूट किया है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ हैं, बहुत सुंदर मेमोरीज़ हैं. एंड अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं इन टच हूँ. एंड बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हो पाता बिकॉज सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं. बट येस, हम फ़ोन कॉल्स पे, मैसेजेस पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ही कनेक्टेड हैं. तो या हम लोग स्टिल वी आर इन टच. ये तो एक चीज़ है, लेकिन श्वेता कई और ऐसी चीज़ें बनाती हैं. यस, मैंने अभी लेटेस्ट उर्फी के लिए एक ड्रेस बनाया जो हैंड पेंटेड था. तो या ये मैंने कुछ नया कुछ क्रिएट किया है, समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, विच इज़ मतलब जो मैं यूजुअली नहीं करती हूँ वो चीज़ मैंने की है. तो मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और बहुत ही रियलिस्टिक पेंटिंग थी. तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ऐसे ऐसा ऐसा आइडिया था उसका उनका, और उन्होंने कहा कि यू नो क्रिएट समथिंग विच विल लुक वेरी रियलिस्टिक. तो इसलिए वो हैंड पेंट करके हमने वो ड्रेस बनाई है. एंड उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज जैसे मन में था बिल्कुल वैसा ही वो क्रिएट हुआ है. ये क्रिएशन है जो मतलब मैं आँखें बंद करके, मुझे दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है. वो है मैं जो गणपति बनाती हूँ, तो वो सबसे मतलब एकदम अगर आप पूछोगे कि क्रिएटिवली दिल से सबसे ज़्यादा पास क्या है, तो वो है गणपति की मूर्ति जो मैं बनाती हूँ हर साल. एंड आई एम अगेन वेरी एक्साइटेड फॉर द कमिंग गणपति. तो इस बार भी हम कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे. सो ये दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट क्रिएशन. ठीक है, ये है मेरा सबसे फेवरेट. उसके बाद सेकंड फेवरेट गेस, तो ये अनुपमा वाला मंगलसूत्र जो आज हमने बनाया, वो आपको कैसा लगा? मैं सोच रही हूँ ये काफ़ी इजी है बनाना, एंड आप भी इसको बिल्कुल ट्राई कीजिए. एंड अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा अपना स्टाइल डालना है, तो आप थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं, तो आप एक कोई डिफरेंट स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं. और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हमेशा कमेंट्स और लाइक्स करते रहिए, क्योंकि उसी से हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता रहता है. एंड अगर आप लाइक करेंगे तो मेरी भी एक हिम्मत बढ़ेगी कि मैं आपके लिए रोज़ कुछ नया लाऊं और कुछ डिफरेंट लाऊं. तो कीप लविंग मी एंड आई लव यू. तो देखा आपने, श्वेता महाड़िक है कितनी टैलेंटेड. उम्मीद करते हैं श्वेता को हम जल्दी एक नए किरदार में टीवी पर जरूर देखें. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.